कैंट पुलिस ने शुक्रवार को पत्नी और पुत्री पर तेजाब फेंकने वाले नशेड़ी आरोपी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के किनारे रिंग रोड कूड़ा घाट से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अजय सहानी पुत्र शिवनाथ निवासी पीपल डाढ़ा घटही माता मंदिर कूड़ा घाट थाना कैंट के रूप में हुई है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त तेजाब का बोतल बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि शुक्रवार को अजय सहानी ने अपनी पत्नी व बेटी पर पारिवारिक विवाद में जान से मारने की नियत से तेजाब से हमला कर दिया था, जिससे उसकी पत्नी और पुत्री पूरी तरह से झुलस गए हैं, जिसको कैंट पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। आरोपी पति अजय सहानी को पुलिस ने शनिवार को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में कैंट थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, एयरफोर्स चौकी प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता, हेड कांस्टेबल नित्यानंद, कांस्टेबल अवधेश यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, कल दिनांक 10 सितंबर 2021 को एक पिता ने अपने पत्नी और अपने पुत्री के ऊपर तेजाब की बोतल पारिवारिक विवाद के उसमें गिरा दी थी, जिससे काफ़ी बर्न इंजरीज आई थी। उस क्रम में आज 11/9 को रामगढ़ ताल के पास 11:10 पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अजय सहानी नाम है इसका, और इसके पास से 2 तेजाब की बोतल भी जो हुई थी घटना में बरामद की गई, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। मुकदमा अपराध संख्या 597/21, धारा 326 और 307 IPC में पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये दर्जी का काम करता है।